सर, ये 12 साल का बच्चा है, मेरे छात्रावास में विगत 2 माह से अध्ययनरत था और फर्स्ट अप्रैल को ये मेरे छात्रावास में आया था। इसका भाई जो कि पूर्व से 2 माह पूर्व से मेरे छात्रावास में पढ़ रहा था और ये अप्रैल में आया। उसके बाद 2 महीने रह के फिर ग्रीष्मकालीन अवकाश पर घर गया था। उसके पश्चात ही कल सुबह 7:30 बजे मेरे छात्रावास में दोनों भाई आए, इसके चाचा जी ने छोड़ने आए थे। उसके पश्चात ये अपने विद्यालय गया था पूरे ड्रेस पहन के, बैग लेके, और वहाँ से 8 पीरियड पढ़ने के बाद ये छुट्टी के समय ये अपने घर जाने के लिए अपने भाई से कहा है कि मैं घर जा रहा हूँ, और ये अपने घर की तरफ चला गया। पर लेकिन ये वहाँ घर नहीं पहुँचा और उसके पास हम फिर उसके करीब 2 घंटे बाद हम उसके घर गए, लेकिन वो तब तक भी घर नहीं पहुँचा। फिर हमने पुलिस में थाने में एक पुलिस दी की रिपोर्ट लिखा दी थी, उसमें फ़ोटो वगैरह देख ली थी। उसके बाद से इसको पुलिस द्वारा भी सर्च किया गया, हमारे द्वारा भी घर में दोबारा गया गया। रात को 7-8 बजे तक हम लोग वहीं पे थे। उसके बाद रात भर पुलिस इन्हें चेक करती रही और अभी जाके आज सुबह 5 बजे जब किसी ने कहा कि ये सिर्फ खाली रोड पर ये लड़का घूम रहा है तो हम उसके पीछे गए, लेकिन फिर ये छुपते छुपते फिर जंगलों में चले गए और वहाँ इनके कुछ रिश्तेदारों ने इसे देख लिया। और उसके बाद उसको इस लड़के का अचानक जाना इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता इसका। सर, मैं अभी इसकी दादी ने ये बताया कि घर से ही नहीं आना चाह रहा था कि मैं नहीं जा रहा हॉस्टल पढ़ना, मुझे नहीं पढ़ना है, पढ़ने का मन नहीं। इस कारण ये कदम उठाया। और अभी भी उससे पूछा जा रहा है तो वो यही बोल रहा है कि मुझे नहीं पढ़ना, मुझे अपनी दादी के साथ रहना है। एक्चुअली ये छोटा बच्चा है, इसकी माताजी नहीं है, वो एक्सपायर हो चुकी हैं, और जो इसके घर की हालत है वो बहुत ही थोड़ा सा रेयर है, मतलब कंडीशन ठीक नहीं है। तो जो इसकी दादी है श्रीमती, तो उन रूपा देवी, उन वो चाह रही थी कि अपना उनका नाती है जो उसको अच्छे स्कूल में परवरिश हो जाए, तो उसको उन्होंने छात्रावास में रखा था। ये हमारा जो GIC इंटर कॉलेज उसका जो छात्रावास है सुभाष में, और कल ही इसके चाचा ने इसको ड्रॉप किया था और इस बच्चे ने अपने चाचा को मना कर दिया था कि भाई मुझे स्कूल में नहीं रहना है। इसने ये इंसिडेंट इसने पहले भी दोहराया है कि एक बार इसकी चाची दादी ने इसे पहले भी कहा था 6 महीने पहले कि आपको स्कूल जाना है, तो उसने मना कर दिया था। और उसके बाद ये वहीं गाँव के चाचा के घर के अगल बगल जंगल में छुप गया। तो कल भी जब इसने मना किया कि मैं नहीं जाऊंगा, और जब इसकी छुट्टी हुई तो इसका भाई जो छोटा भाई है अंशुमन, वो भी वहीं पढ़ता है, उसी हॉस्टल में रहता है, तो उसने उसको लास्ट टाइम पूछा कि भाई आप हमारे साथ चलोगे, तो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा, तो ये अकेले निकल गया। फिर जब इनके वार्डन सर हैं जो मिस्टर मुकेश भगवान, जिन्होंने हमें सूचना दी कि भाई ये निकल गया है, तो उसके बाद इस बच्चे की तलाश जारी हुई कि क्या है क्या नहीं है। इस बच्चे की उम्र कितनी है मैम? इसकी जो उम्र बताई गई है हमें 12 वर्ष का बताया गया। कितना टाइम लगा आप लोगों को ढूंढने में? ये जैसे हमें सूचना मिली, जो वार्डन सर थे इनके मुकेश भगवान जी आए थे हमारे पास, उन्होंने बताया कि ये मिस हो गया, तो तुरंत पहले हमारे जो पूरे स्टाफ का कोर्स था, जो हमारे एज ए सीनियर अधिकारी थे, हमारे कलीग्स थे, इंस्पेक्टर सर थे रवि सिंह सर, वो लोग सब स्कूल में गए। प्रिंसिपल सर लोगों ने पूरा कैमरा चेक किया, कहाँ गए, क्या गया, मोमेंट देखा उसके किधर से किधर गया, फिर नियरेस्ट के कैमरे चेक करते हुए, फिर जो बताया गया था इनके घर वालों के पहले भी जंगल में छुपा, तो पूरे जितने भी रोड हट के थे, साइड के थे, चौरासा पुल वगैरह, गाँव का सारा एरिया कवर किया गया, और उसके दौरान लगातार सर्च अभियान चलता रहा कंटिन्यूसली, तब जाके ये आज मिला है और ये सिल्काखाल रोड टीरी गढ़वाल के पास से बरामद किया गया।